तथा कुछ लोग अपने आप को नौजवान दिखाने के लिए भी, यंग दिखाने के लिए भी जबरदस्ती का मेरे साथ, कभी भाई बहन का तो कभी बुआ भतीजे का, और इसके साथ ही एक सोची समझी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के सबीरपुर गांव में कराया गया खूनी व जातीय दलित उत्पीड़न कांड, जिसमें शामिल व बीजेपी की रणनीति के तहत अभी अभी रिहा हुआ व्यक्ति भी समाज में अपनी इन सब कमियों पर पर्दा डालने के लिए अब वह भी अपना जबरदस्ती का मेरे साथ बुआ व खून का रिश्ता बता रहा है। और आज मैं इस किस्म के सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरा वास्तव में सही मायने में इस किस्म के लोगों से कभी भी पूरे तह दिल व पूरे सम्मान के साथ रिश्ता कायम नहीं हो सकता। मेरा वास्तव में सही मायने में इस किस्म के लोगों से कभी भी पूरे तह दिल व पूरे सम्मान के साथ रिश्ता कायम नहीं हो सकता है, बल्कि पूरे तह दिल व पूरे सम्मान के साथ मेरा रिश्ता देश के केवल उन तमाम करोड़ों दलितों, आदिवासियों व अन्य कमजोर वर्गों के लोगों से है, जिनके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है, और जो लोग मुझे अपना आदर्श मानकर चलते हैं तथा हमेशा वे पार्टी और मूवमेंट के हित में वे सुख दुख की घड़ी में भी मेरे साथ खड़े रहे हैं और खड़े रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ मैं सावधानी के तौर पर खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि इन वर्गों में बरसों से आए दिन ऐसे बहुत से हजारों संगठन बनते चले आ रहे हैं, जिसकी आड़ में वे किसी ना किसी रूप में अपनी रोटी रोजी का धंधा चलाते रहते हैं, और जो अपने समाज के लोगों के सामने और जो लोग अपने और इस किस्म के लोग अपने समाज के लोगों के सामने कहते कुछ है और पर्दे के पीछे से करते कुछ और है। इसलिए ऐसे सभी स्वार्थी किस्म के संगठनों व तत्वों से भी इन वर्गों के लोगों को जरूर सावधान रहना चाहिए। और इतना ही नहीं, यदि इस किस्म के लोग वास्तव में वे पूरी ईमानदारी से हमारे सही हितेशी व शुभ चिंतक आदि होते तो तब फिर इन लोगों को अपना कोई भी अलग से संगठन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि फिर ये लोग पूरे देश में अपनी एकमात्र हितेशी व कल्याणकारी पार्टी अर्थात बीएसपी के झंडे तले जुड़कर ही फिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं माननीय श्री कांशीराम जी की मूवमेंट को आगे बढ़ाते होते।